हाइट तब काम आएगी जब आपको हर चीज की नॉलेज होगी, हर चीज के बारे में अवेयर होगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है आपके लिए, आपको आगे आने वाले समय में कैसे कार्रवाई करनी है। तो इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इन सब की नॉलेज के लिए हम आपके बीच में आए हैं और मैं तो आपके टीचर साहिबान का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में इतना जल्दी अरेंज कर दिया। थैंक यू सो मच। सबसे मेन उद्देश्य बेटा ये है कि आप लोग एक तो पढ़ रहे हो, जैसे यहाँ पे आपने घर से निकल के आते हो, आप पहले क्या था, पहले का टाइम तो दूसरा था, पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं करते, घर की चार दीवारी में बंद रखना, उनके घर के काम करवाना। अब उस चीज से हम निकल के दूसरी उस दुनिया में है, अपना काम घर के काम के साथ साथ हमें पढ़ाई लिखाई भी करनी है, नौकरियां भी करनी है और अपने आप को सर्वाइव भी करना है, और कैसे उस चीज को हैंडल करनी सिचुएशन को, उसके बारे में मैं आज आपके बीच में आई हूँ। तो आप जैसे स्कूल के अंदर आते हो तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आपको कोई, जैसे लड़कियां होती हैं, लड़कियां हो या लड़के हो, मैं दोनों के लिए कह रही बेटा कि किसी को, सबको ये पता होता है हमारे सिक्स सेंस के से थ्रू कि हमारे को किसी ने छुआ है, मतलब टच किया है। जैसे हम किसी को टच करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि इसने अच्छे मन से टच किया है, इसकी जो इंटेंशन थी वो गलत थी या अच्छी थी। समझे मेरी बात? इंटेंशन का मतलब ये कि इसने जो छुआ है वो गलत तरीके से छुआ है मुझे या अच्छे तरीके से छुआ है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं वो आपको प्यार करते हैं, सिर के ऊपर हाथ फेरते हैं, करते हैं ना प्यार करते हैं सिर, तो वो जो उनका छूने का तरीका है वो आपके पॉजिटिव में होता है, वो आपके भले के लिए होता है, वो आपको पता लग जाता है कि उनके जो छूने में उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, यही होता है ना। तो ऐसे ही कार्रवाई है 112 की, पुलिस आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 112 पे जैसे आप फोन मिलाते हो तो आपके फोन से ही आपको 112 नंबर डायल करना है और वो इंफॉर्मेशन जो है रजिस्टर हो जाएगी आपकी चंडीगढ़ के अंदर, इसका कंट्रोल रूम होता है वहां पे, आपकी जो एक रजिस्टर मेंटेन होता है कॉल बुक का, किसने कब फोन किया मुझे, ठीक है। तो एक रजिस्टर्ड हो जाएगी आपकी कॉल, आपको आपका नाम पूछेंगे, क्या परेशानी है, क्या आपको कहां से बोल रहे हो, सारी उसमें आपकी वो एक रजिस्टर में मेंटेन कर लेते हैं। उसके क्या बेनिफिट है, एक तो आपकी कॉल रजिस्टर्ड हो जाएगी, दूसरी भविष्य में अगर आपको एक पता लगाना पड़े कि आपकी कॉल रजिस्टर्ड हुई है, वो कब आपने फोन किया था, उसके बारे में आपने क्या एक्शन हुआ, इसके बारे में आप आरटीआई भी ले सकते हो। समझे मेरी बात को? तो वो कॉल रजिस्टर्ड है, वो आपके फायदे की चीजें हैं। फिर दूसरी बात, जैसे ही आप फोन करोगे 112 के ऊपर, आपकी फोन ट्रांसफर हो जाएगी महेंद्रगढ़ के अंदर जो कंट्रोल रूम है यहाँ पे, और आपके नियर बाय जो भी गाड़ी होगी, जैसे यहाँ पे हमारे महेंद्रगढ़ पुलिस में 17 गाड़ियां लगाई गई हैं, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐसे गाड़ियां अलॉट की गई हैं, तो हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 17 गाड़ियां अलॉट हैं। जैसे आपने अपने बेरी स्कूल के पास से कोई फोन किया कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये लड़का तंग कर रहा है, या मुझे इसने गलत टच किया है, या ये बदतमीजी कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, या यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप 112 पे देंगे, ठीक है। जो आपके सामने लगता है कि ये क्राइम हो रहा है और ये जो आप देख रहे हो वो क्राइम की उसमें उस श्रेणी में आता है, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन 112 पे दोगे, ठीक है बेटा। उसके बाद जब आपने देख लिया आपका फोन आपने 112 पे कर दिया, उसकी कॉल डाइवर्ट हो जाती है महेंद्रगढ़ कंट्रोल रूम में, उसके बाद विद इन 5 मिनट्स आपके पास गाड़ी पुलिस की पहुंच जाती है। कितनी देर में पहुंच जाती है? 5 मिनट्स में। तो उस गाड़ी के पहुंचने से क्या है, एक तो आपके पास तुरंत पुलिस हेल्प पहुंच जाती है, ठीक है। ये मतलब आपको कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए आपके पास जितनी जल्दी वो गाड़ी पहुंचेगी, आप अपनी परेशानी बताओगे और आपकी समस्या का समाधान 112 वाले करेंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन लिख रही है तो आप
एप्लीकेशन लिख के दोगे, कंसर्न थाने में वो कार्रवाई करनी है तो कंसर्न थाने में जाएंगी वो एप्लीकेशन और उस पर कार्रवाई होगी, ठीक है बेटा। तो ये होती 112 की कार्रवाई कि आपके पास विद इन 5 मिनट्स के अंदर पुलिस सहायता पहुंचे, ठीक है बेटा। और इसके बेनिफिट्स मैंने बता दिए, आपके सामने कोई भी क्राइम, किसी को दारू पी के मार रहा है या कोई इलीगल शराब बेच रहा है या कोई किसी से बदतमीजी कर रहा है, कोई किसी का गलत तरीके से पीछा कर रहा है या कोई किसी से मारपीटाई कर रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया आपके आमने सामने, तो मतलब किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन जो क्राइम से रिलेटेड है उसकी इंफॉर्मेशन आप 112 पे दोगे, ठीक है बेटा। तो ये तो है 112 की कार्रवाई। उसके बाद आपको किसी का एसपी का, डीएसपी का, एसएचओ का, डीसी का या किसी भी सीएमओ का, सीएमओ का पता है चीफ मेडिकल ऑफिसर, तो किसी का भी नंबर, आवाज आ रही है बेटा इसमें, किसी का भी जो नंबर चाहिए तो आप 112 पे फोन करके उनका नंबर भी ले सकते हो, एज ए इंक्वायरी भी आप उस पे डायरेक्ट 112 पे यूज कर सकते हो, ठीक है। किसी भी फोन की सूचना की किसी का, जैसे आपको मोबाइल नंबर नहीं पता किसी भी ऑफिसर का, तो आप उसकी सूचना भी डायरेक्ट 112 के नंबर्स पे ले सकते हो।